जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन हिस्ट्री में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पे जितने भी रेलवे के ओल्ड ऑफिशियली पेपर हैं, उन सभी ऑफिशियली पेपरों का एग्जाम के पहले सोल्यूशन करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे NTPC रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से साथ हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो दोस्तों, हर रोज की तरह हमने पिछले वर्ष जो रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम हुए थे, उन्हीं में से दोस्तों हम लोग लगातार अपनी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए 20/9/2018 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर लिया। दोस्तों में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए होंगे, उन सारे रीजनिंग के क्वेश्चनों को हम लोग बहुत ही इजीली हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप अपनी क्यूरी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ करके अपनी क्यूरी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हर रोज की तरह हम लोग आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में दी गई तालिका में कौन से इससे भिन्न है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमको ABCD करके ऐसे ऑप्शन दिया गया है। एक में लिखा है दोस्तों 1696 और ऐसे करके सब में दोस्तों लिखा है। तो हमको बताना है इसमें भिन्न क्या है। तो दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो A का कोड 1 लिखा है, F का कोड 6 लिखा है और I का 9, F का 6 दोस्तों ये भी सब लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पे डिफरेंट क्या है, डिफरेंट हमको बताना है। तो दोस्तों, एक चीज हमको बात ये समझ में आ रही है, डिफरेंट कैसे हम पता करेंगे। तो ध्यान से अगर दोस्तों देखें, यहाँ पे हमारे दो स्वर व्यंजन आ रहे हैं, A और I आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों सिंगल हमारा A आ रहा है, यहाँ भी दोस्तों A आ रहा है, यहाँ भी A आ रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें इन सभी तीनों में सिंगल स्वर है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमारे दो स्वर हैं A और I, इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर इसका A डिफरेंट हो जाएगा, हमारा इसका फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है नीचे के कथन पर और उसके बाद दिए गए निष्कर्षों का अध्ययन करें। कथन में दिया गया दोस्तों, श्याम ने कौशिक से कहा कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे प्रोन्नत किया गया है। तो निष्कर्ष में बताया गया दोस्तों, फर्स्ट निष्कर्ष दिया गया कल्याण को छोड़कर किसी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। अब सेकंड बताया गया प्रदर्शन से प्रोन्नत मिलती है। तो दोस्तों ये बात तो सही है कि यहाँ प्रदर्शन से प्रोन्नत मिलती है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन कल्याण को छोड़कर किसी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया गया है, तो ऐसी बात हमारी इस कथन में नहीं दी गई है, इसलिए दोस्तों हमारा ये फर्स्ट निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा, सेकेंड के साथ हमारा राइट बनेगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन हमारा फर्स्ट राइट बनेगा, केवल निष्कर्ष सेकेंड ही अनुसरण करता है, फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इस क्वेश्चन में दिया गया पुस्तक का पृष्ठों से वही संबंध है जो मशीन का डॉट डॉट से है। तो दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार पुस्तक हमारी संबंधित है पृष्ठों से, उसी प्रकार मशीन हमारी संबंधित होगी पार्ट से, तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इस क्वेश्चन में दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्न और उसके बाद में दो कथनों का अध्ययन करें। तो प्रश्न में दोस्तों कथन में दिया गया हमारा ये प्रश्न दिया गया, नीतू तीन समान आकार के थैलों के साथ बाजार जाती है, तीनों थैले मिलकर कुल कितना वजन उठा सकते हैं। अब यहाँ बताया गया प्रत्येक थैले का आधा एक किलोग्राम है। तो अब दोस्तों अगर नीतू तीन समान आकार के थैलों को साथ बाजार लेकर जाती है तो तीन थैले मिलाकर कुल कितना वजन उठा सकती है। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे जब तीन थैलों को वजन जब तीनों का तीन समान आकार के थैलों को बाजार लेकर जाती है, तीन थैले मिलाकर कुल कितना वजन होगी, तीन थैलों का वजन पूछा गया है दोस्तों, जब प्रत्येक थैले का आधा किलोग्राम वजन है तो दोस्तों तीन किलो थैलों का वजन 1.5 kg यानी 1.5 किलो हो जाएगा दोस्तों, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे तो इसलिए हमारा ये तो हम निकाल सकते हैं, यानी इस प्रश्न के अकॉर्डिंग कथन जो फर्स्ट कह रहा है तो हमारा ये राइट हो जाएगा। अब जो दूसरा कथन दिया गया है, कथन जो दूसरा है, पहला और दूसरा थैला हरा है जबकि तीसरा काला है। दोस्तों यहाँ कलर से हमसे कुछ मतलब ही नहीं है, इसलिए दोस्तों हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे कलर को कुछ बात भी नहीं, जिक्र भी नहीं किया गया प्रश्न में, तो इसलिए हमारा सेकंड रॉन्ग हो जाएगा। केवल अकेले कथन फर्स्ट पर्याप्त है, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया विकल्पों में से कौन दिए गए चित्र का निकटतम सदृश्य है। दोस्तों को निकटतम सदृश्य बताना है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, ये हमारा इसलिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि आप देखिएगा यहाँ दोस्तों, ये जो हमारा स्क्वायर सा बना है, स्क्वायर के अंदर हमारा दोस्तों ये हमारा स्टार बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ट्राइंगल के अंदर स्टार बना दिया गया, इसलिए दोस्तों ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों सेकेंड, तो सेकेंड हमारा इसका राइट आंसर बनेगा, यही हमारा इसका राइट बनेगा दोस्तों। और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड हमारा ये इसलिए रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे जोड़ करके इससे नहीं किया गया, कोने में ये ट्रायंगल बना दिया गया इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ट्रायंगल के अंदर स्टार बना दिया इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा, इसका सेकेंड के साथ हमारा इसका राइट बनेगा, टू का बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया
इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं। आपको निर्णय लेना है कि कौन सा तर्क कथन के संदर्भ में सशक्त है। कथन में दिया गया खुले में शौच करना एक अपराध है, क्या लोगों को इसके लिए सजा दी जानी चाहिए? तो तर्क में दोस्तों कहा गया हाँ, सजा से नागरिकों में सख्त अनुशासन लागू होगा। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, अगर हम लोगों को जब टाइट करेंगे मतलब, तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया खुले में शौच करना एक अपराध है, क्या लोगों को इसके लिए सजा दी जानी चाहिए? तो दोस्तों तर्क में कहा गया हाँ, सजा से नागरिकों में सख्त अनुशासन लागू होगा। बिल्कुल दोस्तों बात सही है, ये हमारा कथन से बिल्कुल मैच खाती है, इसलिए हमारे राइट हो जाएगा। अब सेकंड में दिया गया नहीं, एक विधिता पूर्ण राष्ट्र में हम ऐसे कड़े कानूनों को लागू नहीं कर सकते। ऐसी कोई बात नहीं दोस्तों इस कथन में कही गई है, जो सेकंड तर्क में बताई गई है, तो हमारा सेकंड तर्क रॉन्ग हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा ये है, मन्नू और पिंकी घर से बाजार के लिए निकलते हैं। दोनों पहले पूर्व दिशा में 500 मीटर की यात्रा करते हैं और फिर दाहिने मुड़कर 200 मीटर चलने के बाद लॉन्ड्री पर पहुंचते हैं। उनके घर से किस दिशा में लॉन्ड्री स्थित है? तो दोस्तों को ये बताना है, ठीक है। यहाँ पर बताया गया मन्नू और पिंकी घर से बाजार के लिए निकलते हैं, दोनों पहले पूर्व दिशा में 500 मीटर चलते हैं। दोस्तों ये हमारे पूर्व दिशा है, ये इधर मन्नू और पिंकी 500 मीटर चल गए। अब कहा गया है दोस्तों और फिर दाहिने मुड़कर 200 मीटर चलने के बाद, अब दोस्तों यहाँ से दाहिने मुड़ेंगे तो दाहिने दोस्तों हम किधर मुड़ेंगे, नीचे की ओर मुड़ेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ से जब दाहिने मुड़ेंगे और कितना मीटर चला है दोस्तों, 200 मीटर चला है, तो 200 मीटर हमने चला दिया। 200 मीटर चलने के बाद लॉन्ड्री पर पहुँचते हैं। उनके घर से किस दिशा में लॉन्ड्री है? दोस्तों यहाँ से उनका घर था, यहाँ घर से हमने स्टार्ट किया चलना, तो ये किस दिशा में पड़ेगा हम जानते हैं दोस्तों। अगर इससे हम डायग्राम ये ड्रा कर दें दिशा का चार्ट, तो दोस्तों हम जानते हैं ये पूरब होता है, ये हमारा पश्चिम होता है, ये उत्तर होता है और ये दोस्तों हमारा दक्षिण होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ जाएंगे कहीं, तो ये दक्षिण पूर्व हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा इसका फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा। ये हमारे दोस्तों क्या होती है दोस्तों, दक्षिण पूर्व होता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे लिखा है निम्न अक्षरांकीय श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो दोस्तों हमको अगला पद बताना है, इस क्वेश्चन मार्क कीजिए पे क्या भरना है। तो अगर दोस्तों ध्यान से देखें, पाँच में हमने दो जोड़ा, सात मिला, सात में दो जोड़ा गया दोस्तों, नौ मिला, नौ में दो जोड़ा गया दोस्तों, ग्यारह मिला। अब ग्यारह में अगर हम दो जोड़ दें दोस्तों, तो हमको तेरह मिल जाएगा। अब दोस्तों तेरह अब अल्फाबेट में देख लिया जाए, तो अल्फाबेट में भी दोस्तों ए के आगे बी, बी में फिर आगे दोस्तों दो, दो बी में दोस्तों दो जोड़ा गया डी मिला, और डी में दोस्तों फिर तीन जोड़ा गया, तीन के बाद दोस्तों इस बार हम चार जोड़ेंगे तो दस मिल जाए, वो चार जोड़ेंगे दोस्तों तो सात चार ग्यारह हो जाएगा, ग्यारह में दोस्तों के हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा, तेरह के इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्न और उसके बाद के दो कथनों का अध्ययन करें। तो प्रश्न में दिया गया है एक लैब में तीन जार हैं, सभी का भार समान है, उनका कुल वजन कितना होगा? तो कथन फर्स्ट में दिया गया है जार के वजन का एक चौथाई 40 ग्राम है, जार के वजन का, जार के वजन का एक चौथाई, तो दोस्तों एक चौथाई, एक चौथाई का वजन कितना है दोस्तों, 40 ग्राम है। तो दोस्तों अगर हम एक जार का निकालें तो चार चौक कितना हो जाएगा, 16, यानी कि 160 ग्राम हो जाएगा। अब दोस्तों हमको तीन जार का चाहिए, तो हम अगर इसमें तीन का मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड में, तो यहाँ पे तीन जार का हमारा ये आ गया वजन 480 ग्राम दोस्तों, आ गया 480 ग्राम आ गया। तो हम दोस्तों यहाँ कथन फर्स्ट से जार का वजन निकाल पा रहे हैं, इसलिए दोस्तों हमारा फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। अब आते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे, सेकंड कथन पे, जार प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग द्रवों से भरा है। तो दोस्तों यहाँ जार प्रयोग किए जाने वाले अलग अलग द्रवों से भरा है, तो दोस्तों यहाँ पे द्रव के भरने की तो बात बताई नहीं गई है, इसलिए दोस्तों हमारा सेकंड इसका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है दिए गए विकल्प चित्रों में से उस विकल्प का चयन करें जो पेन शब्द का पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब है। तो जो दोस्तों पेन का पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब होगा वही हमारे इसका राइट आंसर बनेगा। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे ये जो पेन को हम जब दर्पण में दिखाएंगे दोस्तों, तो ये हमारा बन जाएगा दोस्तों, ये पी हमारा ऐसे बनेगा, और दोस्तों ये ई हमारा ऐसे बन जाएगा, और एन दोस्तों ऐसे बन जाएगा, एक मिनट दोस्तों, जहाँ पे दोस्तों हमारा एन उल्टा बन जाएगा, यानी कि ऐसे करके ऐसे एन बन जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों हमारा इस प्रकार बनेगा। तो ये हमारा इस पेन को जब हम दर्पण में दिखाएंगे तो ऐसे हमारा लिख जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा दिख रहा है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पे, तो हमारा इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही हमारा क्वेश्चन राइट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पे दिया गया, यदि किसी कूट भाषा में डी आई पी को के पी डब्ल्यू लिखा जाता तो उसी कूट भाषा में स्विम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, यहाँ पे अगर हम कोडिंग करें तो डी का 4 होता है, आई का 9 और पी का दोस्तों 16 होता है, के का दोस्तों 11 और पी का दोस्तों 16 और डब्ल्यू का दोस्तों 23 होता है। तो अब दोस्तों अगर हम देखें यहाँ से तो 4 में हमने कितना जोड़ा दोस्तों, 7 जोड़ा तो हमको 11 मिल गया। अब 9 में दोस्तों हमने कितना जोड़ा, 9 में दोस्तों हमने क्या किया, 9 में हमने दोस्तों जोड़ा, यहाँ भी हमने 7 जोड़ा, यहाँ भी 7 जोड़ा गया दोस्तों, यहाँ भी 7 जोड़ा गया। अब ऐसे ही दोस्तों अगर हम 16 में कितना जोड़ दें कि 23 मिल जाए, तो यहाँ भी दोस्तों हमने 7 जोड़ा। तो कुल मिला के दोस्तों हमको बात ये पता चल रही है कि सभी में हमको प्लस 7 ऐड करना पड़ रहा है। तो दोस्तों हम स्विम में भी प्लस 7 ऐड कर दें। तो दोस्तों एस का कोड हम जानते हैं कितना होता है, 19 होता है, तो हमने दोस्तों यहाँ पे 19 रख दिया। और फिर दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, 19 और डब्ल्यू का होता है दोस्तों 23, आई का होता है 9, एम का होता है दोस्तों 13। तो 19 में दोस्तों जब हम 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26, तो हमारा जेड आ जाएगा। 23 में दोस्तों जब हम 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे डी आ जाएगा दोस्तों, यानी कि 4 बनेगा दोस्तों, हमारा डी बनेगा। उसके बाद दोस्तों 9 में जब हम दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यानी कि दोस्तों पी होता है 16 का। और 13 में दोस्तों जब 7 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 हमारा टी का होता है। तो जेड डी पी टी हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा इसका 3 के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया 11 सितंबर 2023 को शाम 5:58 से लेकर 13 सितंबर 2024 को शाम 5:49 तक की अवधि का समय हमको बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये टाइम दिया गया है शाम को 5:58, यहाँ पे दिया गया 5:48। तो दोस्तों इसको भी हम 5:58 समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। दोस्तों आप क्या समझेंगे, ये जो 5:49 है इसको हमने मान लिया कि 5:58 है। तो अब दोस्तों हमने यहाँ से कितना अधिक जोड़ा है, 9 मिनट हमने दोस्तों अधिक जोड़ दिया है, 49 है दोस्तों, तो हाँ हमने यहाँ पे दोस्तों 9 मिनट हमने और ऐड कर दिया, तो ये दोस्तों 5:58 ही हो गया। तो अब दोस्तों हमारे टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो गया। अब दोस्तों अगर हम 11 सितंबर 2023 से 11 सितंबर इसको 11 सितंबर तक ही माने, 11 सितंबर 2024 तक जाएंगे, तो कुल मिलाकर के दोस्तों हमारा ये हो जाएगा 365 दिन हो जाएगा, यानी कि पूरा एक साल बन जाएगा दोस्तों। 11 सितंबर 2023 से दोस्तों 11 सितंबर 2024 तक हमारा 365 दिन हो गया। अब दोस्तों 11 सितंबर यानी कि 2023 से 2024 में जाएंगे, जब दोस्तों 2024 में जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पे फरवरी आपको 2024 में 29 दिनों की मिल जाएगी, इसलिए दोस्तों फरवरी का एक दिन हमारा एक्स्ट्रा और ऐड हो गया यहाँ पे। अब दोस्तों अब हमारा क्या हुआ कि अब हमने 11 सितंबर तक के यहाँ निकाला है। अब दोस्तों यहाँ पे हमको 11 सितंबर के बाद जब हम 12 सितंबर में जाएंगे तो 12 सितंबर का एक दिन और हो जाएगा, और फिर इसके बाद दोस्तों 13 सितंबर का एक दिन और हो जाएगा। तो दोस्तों इस एक दिन में हम क्या करेंगे, तो दोस्तों ये जो हमारा एक दिन और होगा 13 सितंबर का, तो उसमें दोस्तों हमारे 9 मिनट कम हैं 24 घंटा में, अगर 9 मिनट पूरे होते तो 24 घंटा हमारा पूरा हो जाता। तो कुल मिला के दोस्तों हम क्या करेंगे, 24 घंटे में 9 मिनट कम कर देंगे, तो दोस्तों बन जाएगा हमारा 23 घंटा 51 मिनट, ये दोस्तों हमारा बन जाएगा इतना। 24 घंटे में अगर 9 मिनट पूरे होते दोस्तों तो एक दिन और बन जाता, लेकिन 9 मिनट कम है दोस्तों यहाँ से, तो इसलिए दोस्तों हमारा ये कुल मिला के बन जाएगा 367 दिन 23 घंटा 51 मिनट, दोस्तों हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन सेकंड के साथ राइट बनेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पर लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। तो दोस्तों अन्य से हमको भिन्न बताना है, कुल्हाड़ी, ब्लेड, चाकू, तो दोस्तों ये हमारा सब एक ही कैटेगरी के आ गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पे पाना यानी स्पैनर जो दिया गया है दोस्तों हमारे डिफरेंट कैटेगरी का है, इसलिए हमारा दोस्तों ये थर्ड का डी राइट हो जाएगा। तो हमारा इसका थर्ड के साथ राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, अब यहाँ पे दिया गया दोस्तों, यदि लेस देन को मल्टीप्लाई और डिवाइड को प्लस माना जाए तो इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। दोस्तों यहाँ पे 5 लेस देन को दोस्तों यहाँ पे बताया गया मल्टीप्लाई माना जाए, और यहाँ पे डिवाइड को दोस्तों क्या माना जाए,
डिवाइड को दोस्तों बताया है इसने प्लस माना जाए, तो आपने दोस्तों प्लस कर दिया दो। तो दोस्तों सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 7 × 35 हो जाएगा, प्लस का 2 × 35, तो दोस्तों फाइनली कितना हो गया 37 हमारे इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों का अध्ययन करो। कथन में दिया गया सभी कीट सजीव हैं और सभी तितलियाँ कीट हैं, तो ये हमारा दोस्तों एक कथन था, तो हम हल कर लेते हैं दोस्तों। सभी कीट सजीव हैं, जितने भी दोस्तों कीट हैं वो सबका सब क्या है दोस्तों, सजीव हैं। सभी कीट हमारे दोस्तों क्या हैं, सजीव हैं। अब कहा गया है सभी तितलियाँ कीट हैं, जितनी भी तितलियाँ हैं दोस्तों वो सब कीट हैं, तो दोस्तों हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तितली हमारा कीटों के अंदर पहुँच जाएंगी। तो अब दोस्तों निष्कर्ष में कहा गया है सभी तितलियाँ सजीव हैं, जितनी भी तितली हैं वो सबका सब सजीव हैं दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा है, तो इसलिए हमारा दोस्तों निष्कर्ष फर्स्ट राइट हो गया। सभी तितलियाँ सजीव कहा है ना दोस्तों, जितनी भी तितलियाँ सब सजीव के अंदर ही हैं दोस्तों, बिल्कुल सही है। अब दूसरा जो निष्कर्ष दिया गया है सभी कीट तितलियाँ हैं, कहा गया दोस्तों जितने भी कीट हैं वो सबका सब तितलियाँ हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, यानी कीट को तितली के अंदर होना चाहिए तब हमारा राइट होता, लेकिन ऐसा तो है नहीं दोस्तों, कीट के अंदर तितली हैं लेकिन इसने कह दिया कीट तितली के अंदर है दोस्तों, इसलिए हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर निष्कर्ष दो का हमारा रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों हमारे निष्कर्ष फर्स्ट केवल अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को व्यक्त करता है, हाथी शेर जानवर। तो दोस्तों आपको बता दूं, जानवर जानवर हैं ये दोनों, हाथी और शेर, तो इसलिए जानवर हमारा एक जानवर के अंदर हाथी और शेर अलग अलग पहुंच जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा इसका दो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो हमारा बड़ा वाला है ये सी हमारा हो जाएगा जानवर, और ये शेर और ये हमारा एक हो जाएगा हाथी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया नीचे दर्शाई गई चित्रों की श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प उपयुक्त होगा। तो दोस्तों हमको आगे यहाँ पे बताना है इस जगह पे क्या डायग्राम आएगा, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे अगर दोस्तों हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारा ब्लैक सा ट्रायंगल है इसको दोस्तों उसने क्या किया है, एंटी क्लॉक घुमाया है, एंटी क्लॉक घुमाया है 90 डिग्री, और प्लस को उसी के आगे माइनस करके लिख दिया है, और यहाँ पे दोस्तों ये हमारा जो ये सिंबल बना है इसको एक आगे खिसका दिया है, और यहाँ से भी दोस्तों इसको आगे खिसकाया है, यहाँ पे दोस्तों जो हमारा स्टार के साथ जो माइनस बना है इसको प्लस बनाना है, और दोस्तों इसमें हमारा सेम लिख दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूँ मैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो दोस्तों ये हमारा स्टार है, ये स्टार हमारा इस जगह पर आ जाएगा स्टार, और ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लें कि हमारा इस जगह पे ये स्टार और प्लस कहाँ पे बन रहा है दोस्तों, स्टार और प्लस दोस्तों, तो इस जगह पे दोस्तों स्टार और प्लस केवल इसी जगह में बन रहा है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा इसका सी राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये हमारा एक स्थान आगे खिसक करके आएगा, और जो स्टार का जो स्टार हमने सेम रख दिया और जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इस जगह पे ये आगे खिसक करके यहाँ पे आएगा, तो दोस्तों इस जगह पे हमारा ये दिख रहा है, यही हमारा इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा इसका सी राइट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, फिर भी दोस्तों अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मुझे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जुड़ करके वहाँ भी आप अपनी क्यूरी मुझ तक भेज सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया नीचे दिए गए प्रश्न और उसके बाद के दो कथनों का अध्ययन करें। दिया गया आज मेगुल और श्यामल की कुल आयु क्या होगी। कथन में बताया गया है कि मेगुल आज 15 वर्ष की है, ठीक है दोस्तों, श्यामल मेगुल से 3 वर्ष छोटा है, तो दोस्तों ये भी बात सही है। तो कुल मिला के दोस्तों जब अगर हम इनको देखेंगे दोस्तों, फर्स्ट कथन और सेकंड कथन को एक साथ लेके देखेंगे तभी जाके हम इन दोनों की आयु का योग निकाल पाएंगे, अन्यथा दोस्तों हम इनकी आयु का योग नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए दोस्तों हमारे फर्स्ट और सेकंड दोनों कथन एक साथ मतलब कथन को फॉलो कर रहे हैं, प्रश्न को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड राइट हो जाएगा, कथन फर्स्ट और दो एक साथ सक्षम हैं, तो ये हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर दोस्तों लिखा है ईट को यदि ये लिखा जाता है तो दोस्तों यू आर एन के लिए कोड क्या होगा। तो दोस्तों ईट का कोड, तो दोस्तों हम जानते हैं ई का होता है 5, 5 में इसने क्या किया 2 ऐड कर दिया दोस्तों 7 मिल गया,
ए का कोड दोस्तों एक होता है, यहाँ पे दो ऐड कर देंगे तो हमको तीन मिल जाएगा। टी का कोड दोस्तों 20 होता है, 20 में दो ऐड कर देंगे तो 22 मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये जो इन सभी के कोडों में दो दो ऐड किया गया है, तो हम भी दोस्तों यही काम करेंगे, इन सभी में दो दो ऐड कर देंगे। तो यू का कोड दोस्तों हम जानते हैं 21, 21 में दो ऐड करेंगे दोस्तों हमको 23 मिल जाएगा। आर का कोड दोस्तों जानते हैं 18, 18 में दो ऐड करेंगे तो 20 मिल जाएगा। एन का कोड दोस्तों हम जानते हैं 14, 14 में दो ऐड करेंगे दोस्तों 16 मिल जाएगा। तो 23, 20, 16 दोस्तों हम ऑप्शन नंबर हमारा इसका 23, 20, 16 ऑप्शन फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया एक कोड में एम ई ए के को ये लिखा जाए तो उसी कोड में ओ ए के को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे M का कोड हमारा 13 लिख दिया गया, E का कोड दोस्तों 5 लिख दिया गया, A का कोड A और सबका दोस्तों कोड लिख दिया गया। तो O का दोस्तों 15 रखेंगे, A का 1 और K का 11, तो 15 111 दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड के साथ राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया प्रश्न में से कौन सी विकल्प आकृत प्रश्न आकृत से निकटतम समानता दर्शाती है। तो प्रश्न आकृति दोस्तों ये दी गई है। अब दोस्तों अगर हम देखें तो ये हमारी आकृति कहाँ पे मैच कर रही है, दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो हमको ऑप्शन ये डी ही में तुरंत नजर आ रहा है, तो डी हमारे इसका राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ऑप्शन ए क्यों नहीं राइट होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे तीन सिंबल बनाए गए हैं, इनमें से दो सिंबल इसमें दिए गए, इसलिए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब दोस्तों बी हमारा इसलिए रॉन्ग होगा क्योंकि इन सभी सिंबल के ऊपर से हमारा जो एक रेक्टेंगल बना है वो रेक्टेंगल नहीं बनाया गया, यहाँ पे अधूरा कर दिया गया, इसलिए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी दोस्तों दो ही सिंबल बनाए गए हैं, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा ये। और यहाँ पे दोस्तों ये सारा कुछ जैसे इसमें बनाया गया है वो सारी चीज़ें इसमें मैच करते हैं, इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। तो फर्स्ट के साथ हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और अगर दोस्तों आपकी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, यदि आपका कोई सुझाव भी हो तो आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, इस क्वेश्चन में दिया गया नीचे दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, हमको दोस्तों अगली संख्या निकालनी है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ये दो में हमने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों तो 14 मिल गया। अब दोस्तों अगर 14 में हम दोस्तों 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 98 मिल जाएगा। अब ऐसे ही दोस्तों हम 98 में जब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 686 मिल जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा इसका फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर लिखा है नीचे के कथन और उसके बाद दी गई अवधारणाओं का अध्ययन करें। कथन में दिया गया हाल के शोधों से यह पता चला है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध गैस युक्त पेय पदार्थों के सेवन से है। तो अवधारणा में दिया गया परिष्कृत चीनी का उपभोग हानिकारक है, शरीर में चीनी की अधिक मात्रा बीमारियों के उत्पत्ति का कारण बनती है। तो दोस्तों जो यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे बताया गया हाल के शोधों से यह पता चला कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध गैस युक्त पेय पदार्थों के सेवन से है। तो परिष्कृत चीनी का उपभोग हानिकारक है, दोस्तों यहाँ पे चीनी से रिलेटेड कोई बात नहीं बताई गई है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये फर्स्ट अवधारणा रंग हो जाएगा और सेकंड अवधारणा भी रंग हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूँ चीनी से रिलेटेड इस कथन में बात कुछ नहीं बोली गई है, इसलिए दोस्तों हमारा दोनों अवधारणाएँ रंग हो जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों चीनी से यहाँ पे रिलेटेड बात कही गई है और यहाँ से भी रिलेटेड बात कही गई, इसलिए दोस्तों हमारा चीनी से रिलेटेड बात हमारी इस कथन में है ही नहीं, तो दोस्तों हमारा इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे लिखा नीचे दी गई पदों की श्रृंखला को अगला पद क्या होगा, नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद क्या होगा दोस्तों, ठीक है हमको अगला पद बताना है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ई का कोड हम जानते हैं 5 होता है, फिर ई के बाद दोस्तों हमको 9 मिल गया यानी कि आई, आई के बाद दोस्तों हमारा 13, तो 5 4 9 9 4 13, 13 में दोस्तों हम 4 जोड़ेंगे तो 17 मिल जाएगा। 17 हमारा दोस्तों क्यू का कोड होता है तो हमने क्यू रख दिया। तो अब दोस्तों क्योंकि हमारे दो बन रहे हैं तो दो में सब देखना है कौन सा राइट होगा। फिर आगे देख लेते हैं दोस्तों, दो में दोस्तों हम दो में इस दो में दोस्तों हमने 6 का मल्टीप्लाई किया तो हमको दोस्तों 12 मिल गया। अब दोस्तों हमने इस अब दोस्तों हमने क्या किया, इस 12 में हमने फिर 6 का मल्टीप्लाई कर दिया दोस्तों तो हमको 72 मिल गया। अब अगर दोस्तों 72 में 6 का मल्टीप्लाई कर दे दोस्तों तो हमको 432 मिल जाएगा। तो 7 2 6 2 12 6 7 42 1 43 दोस्तों हो जाएगा 432। तो दोस्तों फाइनली हमारे इसका क्यू 432 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे इसका फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन कहता है कि वह मेरी बेटी की माँ की बहन है, तस्वीर के व्यक्ति का जॉन से क्या संबंध है। तो दोस्तों हल करते हैं, यहाँ पे बताया गया एक तस्वीर को इंगित करते हुए जॉन, तो दोस्तों ये जॉन हो गया,
जॉन कहता है कि वह मेरे बेटे की माँ, मेरे बेटे यानी कि यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, इसका बेटा हो गया, बेटे की माँ तो दोस्तों यानी कि इसकी वाइफ हो गई दोस्तों, इसकी ये पत्नी हो गई बेटे की माँ, ठीक है, बेटे की माँ की बहन, अब बेटे की ये माँ हो गई दोस्तों, ये माँ हो गई और ये माँ की बहन दोस्तों जो है, ये बहन हो गई माँ की बहन, तो यानी कि बेटे की मौसी हो गई, तो बेटे की बहन हो गई तो मतलब हो गई दोस्तों, तो जान से क्या संबंध है दोस्तों, ये जान से इसका संबंध इसका साली का हो जाएगा, तो दोस्तों हमारा इसका साली का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे इसका सेकंड के साथ राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों 27वां हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है निम्न कथन और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथन का तर्क रूप से अनुसरण करते हैं। कथन में दिया गया मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रेषित करती है, तो दोस्तों निष्कर्ष में बताया गया मयंक एक कलाकार है, मयंक को उसके क्षेत्र का गहन ज्ञान है, तो मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रेषित करती है, मयंक एक कलाकार है दोस्तों, जब दोस्तों यहाँ पे मयंक की पेंटिंग जो थीम को सही से प्रेषित करती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों मयंक हमारा एक कलाकार होगा, तभी तो उतनी इसकी उतनी अच्छी पेंटिंग बनी होगी, तभी थीम जैसे है, तो दोस्तों इसलिए हमारा ये निष्कर्ष फर्स्ट हमारे कथन से मैच खा रहा है, इसलिए हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा। और जो सेकंड दोस्तों दिया गया मयंक को उसके क्षेत्र का गहन ज्ञान है, तो अब दोस्तों ये बात हम नहीं कह सकते क्योंकि ऐसी बात हमारी इस गहन ज्ञान से रिलेटेड हमारी कथन में बात नहीं कही गई है, तो दोस्तों हमारा ये बात कहना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको रॉन्ग समझते हैं, हमारा निष्कर्ष सेकंड जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष हमारा फर्स्ट इसका अनुसरण करेगा कथन को, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट के साथ राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों, इस क्वेश्चन में दिया गया है 19 फरवरी 2018 को सोमवार था तो 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन होगा, तो दोस्तों यहाँ पे 19 फरवरी 2018 से दोस्तों 19 फरवरी 2019 तक अगर हम देखें, यानी कि 19 फरवरी 2018 से 19 फरवरी 2019 तक अगर हम देखें दोस्तों, तो हमारा कितना हो गया, ये वन ईयर हो गया, वन ईयर दोस्तों, वन ईयर में हम यहाँ पे ये हमारा साधारण वर्ष ही बनेगा, तो वन ईयर में ऑड नंबरों की संख्या दोस्तों एक होती है, हमने एक रख लिया। अब दोस्तों 19 फरवरी के बाद फरवरी में और दिनों की संख्या कितनी बचेगी दोस्तों, 19 के बाद 20 और 8 दिन और, यानी कि 8 एक 9 दिन बचेंगे, 9 दिनों में दोस्तों अगर हम विषम दिनों संख्या निकालेंगे तो दोस्तों 2 निकल आएगा, तो ये रख दिया दोस्तों। अब 19 फरवरी के बाद दोस्तों अगर फरवरी के बाद मार्च में आएंगे तो मार्च में विषम दिनों संख्या 3 आ जाएगी, और अप्रैल में दोस्तों हमको अप्रैल तक ही जाना है, 19 अप्रैल तक जाना है दोस्तों, तो 7 × 2 = 14, अब 14 में दोस्तों कितना बचा हमारा, 5 बचा, तो यानी कि अप्रैल माह में 5 विषम दिन हो जाएंगे, तो अब फाइनली इनको जब ऐड करेंगे दोस्तों 5, 3, 8, 2, 10, 1, 11, तो फाइनली 11 आ जाएगा। अब दोस्तों हम 7 का भाग जब 11 में देंगे विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए, तो 1 टाइम जाएगा यहाँ पे दोस्तों 4 आ जाएगा। अब दोस्तों 4 दिन अगर हम आगे निकालें, तो 4 दिन आगे जब निकालेंगे दोस्तों यहाँ सोमवार से, तो सोमवार से जब दोस्तों हम 4 दिन आगे जोड़ेंगे तो ये मंगलवार हो जाएगा हमारा, फिर दोस्तों बुधवार आ जाएगा, फिर दोस्तों बृहस्पतिवार आ जाएगा, फिर दोस्तों हमारा शुक्रवार आ जाएगा, चौथे दिन हमारा क्या पड़ेगा, शुक्रवार हमारा इसका राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा इसका सेकंड के साथ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया नीचे दर्शाए गए चित्रों की श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, तो दोस्तों हमको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना क्या आएगा, तो ध्यान से दोस्तों अगर इस डायग्राम में इनमें में कंपेयर कराएं तो ये इन दोनों को पीछे करके ये दोस्तों क्या किया गया है, इस ट्रायंगल को आगे करके और इसको सीधा दोस्तों क्या किया गया, 180 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है, तो हम भी दोस्तों इन दोनों को पीछे कर देंगे और इसको सीधा दोस्तों क्या करेंगे, 180 डिग्री जब घुमाएंगे दोस्तों तो ये हमारा सीधा फाइनली ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ये हमारा पूरा फिल कर दिया जाएगा और ये दोस्तों ऐसे हो जाएगा, तो दोस्तों ऐसा हमारा ऑप्शन नंबर सी पे मैच कर रहा है, इसलिए हमारा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट के साथ हमारा इसका राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया नीचे दी गई पदों की श्रृंखला में अगला पद बताना है दोस्तों हमको, तो अगला पद अगर दोस्तों हम देखें तो यहाँ पे 2 में हमने 7 ऐड किया तो 9 मिल गया, अब दोस्तों 9 में हम कितना ऐड कर दें, 9 में इस बार दोस्तों हमने क्या ऐड किया, यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमने फिर 7 ऐड कर दिया तो हमको फिर 16 मिल गया, अब दोस्तों 16 में अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो हमको यहाँ पे 23 मिल जाएगा, तो हमने दोस्तों यहाँ पे 23 फिल कर दिया। और फिर दोस्तों आगे देखें तो यहाँ पे आई का कोड होता है, आई का कोड होता है 9, 9 में हमने दोस्तों 3 जोड़ा 12 मिल गया, यानी 12 एल का होता है, 12 में 3 जोड़ा गया दोस्तों 15 मिल गया, 15 में दोस्तों 3 ऐड करेंगे तो 18 मिलेगा, 18 दोस्तों आर का होता है, इसलिए दोस्तों 23
आर इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर दो के साथ इसका हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विकल्पों में से कौन से दिए गए चित्र का निकटस्थ सदृश्य है। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा जो इमोजी एक बना हुआ है ये मतलब बड़े साइड पे बना हुआ है और ये एरो हमारे छोटे साइड पे बना हुआ है। तो ध्यान से दोस्तों फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दोनों एक साइड बना दिया गया इसलिए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर देखें तो इसने उल्टा काम किया गया, इमोजी को दोस्तों इसने क्या किया छोटे साइड में कर दिया गया और एरो को दोस्तों ने बड़े साइड में कर दिया गया, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। अब अगर दोस्तों हम आए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है दोस्तों, तो सी में अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो हमारा इमोजी बड़े साइड में है और ये दोस्तों जो हमारा है एरो जो है दोस्तों, तो एरो हमारा नीचे है लेकिन दोस्तों ये हमारा बड़ी लाइन की तरफ इंडिकेट कर रहा है दोस्तों, ऐसे हमारा सी में मैच कर रहा है। डी में भी दोस्तों ऐसे मैच कर रहा है लेकिन दोस्तों यहाँ पे एरो से हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि एरो दोस्तों यहाँ पे साइड में यानी कि क्षैतिज दोस्तों पड़ी हुई है एरो, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एरो हमारी हॉरिजॉन्टल ये हमारी दोस्तों हो जाएगी वर्टिकल हो जाएगी, इसलिए हमारा दोस्तों डी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ ही राइट बनेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हमारे इसका राइट बनेगा दो की, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट से मैच खा रहा है, तो फर्स्ट का सी हमारे इसका राइट बनेगा दोस्तों, तो यही हमारे इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए।